दुकान से 10 आम लिए। उसने 6 आम चाचा को दिए और बाकी अपने घर ले गया। उसमें से 2 का जूस बना लिया। तो बताओ कितने बचे? अरे ये भी कोई सवाल हुआ, उसके कितने बच्चे हैं हमें क्या मालूम, आम का बच्चों से क्या लेना देना। यार ये मैच बच्चों का खेल नहीं है, फिर भी हम बच्चों से इतनी मेहनत करवाते हैं। एग्जाम हो तो मेगा रोबोट के लेवल्स क्लियर करने का होना चाहिए, दिमाग का असली यूज तो उसी में होता है। हाँ फिर तो हम हर बार फर्स्ट आएंगे। लेकिन ये कैसे हर एग्जाम में टॉप कर लेता है, जरूर कुछ गोलमाल है। अरे गोलमाल नहीं, ये तो गोल गोल है। लेकिन इसने कब टॉप किया? हमेशा तो टॉप करता है ये पड़ाकू। किसकी बात कर रहा है तू? अच्छा ये पड़ाकू, हाँ सही कह रहा है तू, अकेला इतने मार्क्स लाता है, अगर सब में बांट दे तो पूरी क्लास पास हो जाए यार। सेल्फिश कहीं का। चल पता लगाते हैं कि चक्कर क्या है। अरे मेरे जूते क्यों खराब कर रहा है? अरे अब तो यूनिफॉर्म भी गंदा कर दिया। तू एक काम कर, आगे चल। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मेरा काम हो गया? हाँ हो गया। ये लीजिए पैसे। और ये लो तुम्हारे पेपर्स। थैंक यू सो मच। पटेल अंकल इधर ही आ रहे हैं, छुप जा। अरे कौन है वहाँ? अरे कौन है यहाँ? मुझे लगा मैंने कोई आवाज सुनी। क्या तू भी वही सोच रहा जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, लगता है पटेल अंकल ने चॉकलेट की शॉप खोली है। नहीं तूने देखा नहीं, पटेल अंकल ने उसको एक लिफाफा दिया, उसमें जरूर क्वेश्चन पेपर है जो पटेल अंकल ने चुराए होंगे। दोस्त हमें वो मिल जाए तो हम भी पास हो सकते हैं। सिर्फ पास नहीं, हम टॉप भी कर सकते हैं। Who was the father of चंद्रगुप्त मौर्य? बद्रीनाथ। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट तो हम कब की लगा चुके, पर लगता है तुम मेंटली अब्सेंट हो। बताओ चंद्रगुप्त मौर्य के फादर का नाम? सर खुद उसका ही नाम गुप्त है तो फादर का नाम कैसे पता चल सकता है। अरे चुप रहो सब। और तुम बुद्धदेव, तुम भी खड़ा हो जाओ। काहे टकटकी लगाए के ज्ञान को देखते हो, वो पढ़ा रहा कि हम? खैर कोई भी पढ़ाए, इनकी थमद में आता ही कहाँ है। अरे कैसे नहीं आएगा, अभी मुर्गा बनाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जाओ दोनों के दोनों पीछे जाके मुर्गा बन जाओ। समझ में तो इन सबके नहीं आएगा जब हम दोनों एग्जाम में टॉप करेंगे। टॉप नहीं, एकदम लल्लन टॉप। चलो पाठ और पीरियड दोनों खत्म, मंडे के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, स्पेशली तुम दोनों को। चलो सीधे हो जाओ, तुम्हारा दाना चुगने का टाइम हो गया। पार्टनर चल ज्ञान का बैग चेक करते हैं। लेकिन पार्टनर जब तक ये यहाँ है हम ज्ञान का बैग कैसे चेक करेंगे? सबीना लंच टाइम में पढ़ाई करोगी तो खाना कब खाओगी? मुझे भूख नहीं है और मैथ्स के पेपर की तैयारी भी करनी है। उसकी चिंता मत करो, हम तुम्हें पास करवा देंगे। क्या मतलब? इसने कहा पास,
ये तुम्हारे पास आके बैठना चाहता है। इसे भी कुछ सीखना है ना मैथ्स में, इसीलिए क्यों है ना। ओके, तू उसे उलझाए रखना, मैं ज्ञान के बैग में से पेपर्स निकाल लेता हूँ। बताओ 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ये कौन सा पेड़ है जिसके रूट स्क्वायर होते हैं? बद्रीनाथ, मेरे बैग के साथ क्या कर रहे हो? बोलो, क्या कर रहे हो मेरे बैग के साथ? पेन, मेरा पेन गिर गया था। अच्छा हुआ पेन मिल गया, नहीं तो एग्जाम में कैसे लिखता। सबीना, राठी सर ने बुलाया है। ये मैं वापस आके समझाती हूँ। जा, जाके दरवाजे पे खड़ा हो जा, कोई आए तो मुझे इशारा कर देना, ठीक है? ठीक है। अरे एग्जाम मंडे को है, तू अभी पेपर सॉल्व करेगा क्या? चुप रहे यार, मैं क्वेश्चंस नोट कर रहा हूँ। स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है। शहर के 2 बच्चे पिछले कई सालों के एग्जाम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय सम्मान देने का फैसला लिया है। उनके प्रिंसिपल ने कहा कि इस बात की खबर उन्हें पहले से ही थी, क्योंकि प्रिंसिपल है वो। इस आश्चर्यचकित घटना की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पिछले साल के विजेता ज्ञान सिंह का औसत था 99% और उनका रिकॉर्ड 100% के साथ इन 2 बच्चों ने तोड़ दिया। उनके दोस्तों में इस घटना से खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। नासा इन दोनों बच्चों को खास पुरस्कार देने की तैयारी कर रही है। पर तो ऐसे रहा है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। हाँ हाँ, तो उसे कहाँ पता है कि हमने पेपर्स देख लिए? अरे यार, मेरा मतलब है कि उसने भी तो पेपर्स देखे हुए हैं ना, फिर भी कैसे पढ़ने का नाटक कर रहा है। देख, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो किसी को हम पे शक हो जाएगा। हाँ, चल जल्दी से बुक निकाल, तू भी कभी कभी सही बात करता है। देखो इन दोनों को, मैथ्स के एग्जाम में हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं। बद्रीनाथ एंड बुद्धदेव, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू, सेम टू यू। हिंदी वजह से ना हमेशा हमारा मजाक बनता है, ये हिंदी की बुक क्यों निकाली? अरे मैथ्स का तो हमने पढ़ लिया है ना, कल हिंदी का पेपर है। चलो टाइम तो हो गया है, ये लो क्वेश्चन पेपर। सर, हमें रॉन्ग पेपर मिल गया है। हाँ सर, इन्हें तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए था। क्वेश्चन पेपर सही है, चुपचाप बैठो और जितना तुम्हें आता है उतना लिखो। ये तो चीटिंग है सर, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आने चाहिए थे। क्यों भाई, पेपर आप दोनों महानुभावों ने सेट किया था क्या? नहीं सर, लेकिन जो पेपर ज्ञान ने पटेल अंकल से खरीदा था उसमें तो दूसरे क्वेश्चंस थे। कहाँ बोल रहे हो तुम, साफ साफ कहो। ये जो कह रहे हैं वो सच है का? का तुमने पटेल से पेपर लिए? यस सर। लेकिन सर, मैंने उसे पैसे पेपर के लिए नहीं दिए थे, वो तो मैंने डैड की मेडिसिन लाने के लिए दिए थे। पटेल अंकल के घर के पास एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की शॉप है, वो दवाई वहीं मिलती है। अच्छा, तो फिर पटेल ने तुम्हें जो पैकेट दिया उसमें पेपर्स कैसे निकले? वो तो लास्ट ईयर के पेपर्स थे, मैंने राठी सर से मांगे थे प्रेपरेशन के लिए, उन्होंने पटेल अंकल को फोटोकॉपी करवाने के लिए भेजा था। थैंक गॉड, मैंने सारे क्वेश्चन याद नहीं किए थे, सिर्फ पासिंग मार्क्स जितने किए थे। साइलेंस इन द क्लास, कक्षा में सब शांत हो जाओ। तो सर, अब हम क्या करें, घर जाएं? अरे इतनी तैयारी की है तुम दोनों ने, बिना एग्जाम दिए ही चले जाओगे। पर सर, हमें तो कुछ भी नहीं आता, अब हम कर भी क्या सकते हैं? एक काम है जो तुम सबसे अच्छा कर सकते हो, चलो अब वही करो।
कोई बात नहीं यार, हर बार 3 घंटे लिखने के बाद भी हमें अंडा ही तो मिलता है। इस बार मुर्गा बन के हम खुद ही अंडा दे देंगे। हाँ, जैसे दुबे सर बोलते हैं, बड़का बड़का एकदम ललन टॉप।